ओके तो मेरा नाम है अमित खट्टर। हम कर रहे हैं पावर में, और लास्ट शेड्यूल में हमने किया था पैटर्न कैसे क्रिएट करना है और उसके थ्रू टूल बात कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, एक छोटी सी चीज और समझने वाली है उसके अंदर। ब्लॉक तो हमें चाहिए, वर्क प्लेन भी हमारे को बिल्कुल सेम चाहिए जैसे हमने पिछले ट्यूटोरियल में किया था, टूल भी हमारे को सेम चाहिए। होल्डर भी चाहिए, टूल पाथ भी हम वही लेंगे, कर्व फिनिशिंग में 2D कर्व प्रोफाइल। बस इसमें एक छोटी सी चीज जो हम चेंज करना चाहते हैं, जो हम चेंज करना चाहते हैं वो ये है कि पहले पैटर्न क्रिएट कर लो, ये टेपर है नीचे से तक, इसका जो बेस है वो टेपर है, वो स्ट्रेट नहीं है, बाहर से स्ट्रेट है अंदर से टेपर। तो उस चीज के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, कंपोजिट कर्व बनाना। इसमें हमें ये बताना है मार्क ऑल करके टूल चलाना चाहते हैं। ओके, लोअर लिमिट में डेप्थ देंगे जैसे हमने पहले दी थी, और पैटर्न रजिस्टर में उसको लिमिट बताएंगे 1 1 mm का कट लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं अभी ऐसे कैलकुलेट कर देता हूँ तो टूल पाथ जो है मेरा बिल्कुल स्ट्रेट बना। हाँ सर, ठीक है, जो कंपोनेंट है मेरा वो पेपर है, तो ये दिक्कत है। इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि उसके टूल पाथ की सेटिंग में जाओ, वहां पे ड्राफ्ट एंगल की ऑप्शन आ रही है, तो यहाँ से ड्राफ्ट ऑन कर 10 डिग्री का ड्राफ्ट है, कैलकुलेट करो। अब अगर हम देखेंगे इसको, ये पेपर होगा, अभी दोनों पैरेलल हो गए। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज है जिसमें हमारे पास ड्राफ्ट एंगल है तो वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बात की सेटिंग में जाके ड्राफ्ट है, अब ठीक उसको नहीं पता 3D मॉडल है कि नहीं, उसको तो कर पता, तो इसलिए मैं जो ड्राफ्ट है वो इनवर्ड भी लगा सकता हूँ, आउटवर्ड भी लगा सकता हूँ। हम जो प्रोग्राम जनरेट करते हैं कर्व के ऊपर करते हैं, तो इनवर्ड वाली साइड चाहिए, यानी कि एंगल जो कैलकुलेट होना है वो नीचे से होना है या ऊपर से हो। अगर मैं इसकी सेटिंग में जाके इसके लिंक्स चेंज कर दूं, स्टेप डाउन कर, इंक्रीमेंट, ये जो लेफ्ट हैंड देखो कम हो गई, अब रेड वाली रेड होता है जी 0, पहले धीरे धीरे ऊपर जा रहा है।
अगर मैं इसको ऑफसेट में स्पाइरल ऑन कर दूं तो भी ये लिफ्ट थोड़ी देर कम होगा। रैपिड हाइट को भी चेंज कर देते हैं सेटिंग में गया तो। रैपिड मूव को कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो हाइट बहुत ज्यादा ऊपर जा रही थी वो भी कर दी। अगर हम चाहते हैं बिल्कुल इसको कम करना तो हमारे को टूल बार चेंज करना पड़ेगा कॉन्स्टेंट रेड, तो उसमें हम बिल्कुल इसकी जो लिफ्ट है वो कम कर सकते। ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन ऑन कर देंगे, बहुत चेक भी ऑन कर देना है, कोलिजन चेक भी ऑन कर देना है, और ये थिकनेस को जीरो कर देंगे। कितने डेप्थ तक अगर हम यहाँ पे मटेरियल छोड़ देंगे, कर्व थिकनेस होता है फिनिशिंग के लिए आपको मटेरियल कितना छोड़ना है, तो वो 1 mm दूर कर। आइसोमेट्रिक कर अब लास्ट में हमने देखा एक पॉकेट है, मल्टीपल पॉकेट है ना। अभी हम क्या कर सकते हैं, एक टूल बार क्रिएट करेंगे नया 2D कर प्रोफाइल ओके। पैटर्न बता दिए इसको, एक नया पैटर्न क्रिएट करते हैं। कंपोजिट कर एक कर्व, एक और साथ में ही बना लो। एक और कर्व जैसे ये गलत हो गई है कारण ना नीचे चली गई, ये भी हमारे को चली गई। कैंसिल कर लीजिए। हमेशा ना पिंक वाली साइड जाता है, अगर येलो वाली साइड जाना है तो क्लिक करना पड़ता है।
अगर मैं इसको ओके करता हूँ, इसको बताना पड़ेगा भी किस मार्क करना पड़ेगा, भी किस डायरेक्शन में चलना है, अंदर वाली साइड चलना है हमारे को। क्योंकि जगह कम है तो टूल भी छोटा करना पड़ेगा। अब कैलकुलेट करते हैं, स्कोप हमारे को नीचे होगा। अब इसमें देखो लोअर लिमिट कुछ और है, ठीक है, इसलिए देखो कहाँ बन गई है ना, तो इसलिए हमारे को लोअर लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारे को, ये मेरी लोअर लिमिट, ठीक है, पर सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी क्योंकि टूल पाथ जो है वो ऊपर से चल, ध्यान से देखो। ये जो टूल पाथ है ये टॉप से बन रहा है जीरो से, पर हमारे को यहाँ पे तो चलाने की जरूरत नहीं, हमारे को तो यहाँ इस बेस से लेके नीचे तक जाना। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे ब्लॉक को चेंज करना। यानी कि जेड की हाइट जो है वो माइनस 25.4, फोर से स्टार्ट करना है। तो ये जो ब्लॉक है ये दोबारा से कैलकुलेट करते हैं, और इसको 35.4। अच्छा, ग्लोबल ये स्टार्ट होगा 25.4। यानी हमने ब्लॉक को ही नीचे कर लिया, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ब्लॉक। मैंने बताया था कि पावर मिल में जहां पे ब्लॉक होता है टूल पाथ सिर्फ वही क्रिएट होता है, इसलिए हमारे को उतना ही ब्लॉक बनाने की जरूरत है जितना अवेलेबल हमारे को रिक्वायरमेंट। यानी हमने टूल पाथ को नहीं छेड़ा, हमने सिर्फ ब्लॉक को चेंज कर, ब्लॉक को चेंज किया तो ऑटोमेटिकली टूल पाथ भी छोटा हो, समझ आई बात। हेलो, हाँ सर, समझ, हाँ समझ रहे सर, यानी कि ब्लॉक का साइज जितना होगा हाँ सर, उतने एरिया में ही मशीन हाँ सर, कभी भी हाइट चेंज करनी हो उन बात की तो हम ब्लॉक के साथ भी कर सकते। अगर मैं बात क्रिएट करूं बाहर वाली साइड, ध्यान से देखना एक चीज ये है, मैंने एक कर्व क्रिएट की आउटसाइड द बाउंड्री,
पार वाली बाउंड्री पे हमने ये कर कर उसको आउटर बाउंड्री क्योंकि हम बाहर वाली साइड टूल पाथ जो है वो चलाना चाहते हैं। को जीरो कर देते टूल जो है मैं बड़ा वाला ले लेता हूँ 10 mm का और कैलकुलेट कर पावर मिलने। देखो सारा प्रोग्राम नहीं जनरेट कहीं कहीं छोड़ दिया। छोड़ क्यों दिया क्योंकि वहां पे ब्लॉक नहीं वहां पे मटेरियल काटने की जगह ही नहीं। तो हम क्या करेंगे यहां से देखना ब्लॉक को जेड को कर देंगे लॉक क्योंकि जेड मेरा ठीक है और बाकी को सारे को 15 mm एक्सपेंशन कर यानी कि जेड में नहीं बाकी में। तो ब्लॉक जो है सारी साइडों से 15 15 mm बड़ा हो। कैलकुलेट का बटन दबाऊंगा तो पूरी बाउंड्री में चलो ठीक अभी भी वो पूरा नीचे क्यों नहीं गया मुझे बता रहे क्योंकि जो लोअर लिमिट है वो 38 पॉइंट है। तो लोअर लिमिट को हम इतनी वैल्यू दे देंगे उसके हिसाब से समझ आ गया होगा कि ब्लॉक को यूज करके उन बात को चेंज कैसे कर सकते ठीक है। क्योंकि पावर पिन में जहां पे ब्लॉक होगा वहीं पे टूल पाथ क्रिएट होगा जहां पे ब्लॉक नहीं होगा वहां पे टूल पाथ क्रिएट होगा नहीं होगा। चला के ठीक देखो आप एक बार जैसे जैसे मैंने यहाँ किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन दबा लो सबके साथ वीडियो शेयर करो कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में।